तो चलिए दोस्तों, अभी जंगलच में है और पूरा पसीना दे रहा है क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। तो इधर देखिए, हम लोग को और एक मशरूम मिल गया, दूसरे क्वालिटी का। राम राम दोस्तों, दूल्हा फैमिली ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और अभी सुबह का 10 बज रहे हैं और आज फिर जा रहे हैं जंगल, क्योंकि बहुत ज़्यादा खोभी लगेगा। और अभी बैल भी चराने नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी जंगल तरफ नहीं ला रहे हैं उतना ज़्यादा। तो आप लोग को जंगल का भी मतलब वो दिखाता, लेकिन अभी नहीं ले जा रहे हैं। तो कल विश्वकर्मा भगवान का पूजा भी है, तो दूसरा टाइम गाड़ी उड़ी धोएंगे। तो अभी थोड़ा खोभी ले आने जाते हैं, तो चलते हैं अब। और चलिए आप जंगल में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, जंगल भी आ गए हैं हम लोग। और मच्छर बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जंगल में बहुत ज़्यादा रहते हैं ना। तो चलिए इधर ढूंढते हैं। और ये रोड बना हुआ है ट्रैक्टर ट्रैक्टर जाने के लिए। तो चलिए आप खोजते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी जंगलच में है और पूरा पसीना दे रहा है क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। तो इधर देखिए, हम लोग को और एक मशरूम मिल गया, दूसरे क्वालिटी का। तो ये वाला है, इसको मुंडा बोलते हैं। ये बहुत बड़ा होगा, ये पूरा छत्ता जैसे। और देखिए मुंडा, और एक आध ठो मिलेगा तो ले जाएंगे। तो चलिए इधर ढूंढते हैं, और मिलेगा तो। ये सफ़ेद वाला है, और जो कल देखे थे पीला पीला, वो सुआ है, और इसको मुंडा बोलते हैं। और भी मिलता है, आप लोग को दिखाएंगे। तो वीडियो में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए, और तो नहीं दिख रहा है, यहाँ एक ही ठो है, तो इसको यहीं रहने देते हैं। और फिर उठाएंगे अगर और उधर मिल जाएगा तो। तो जंगल से बहुत कुछ मिलता है, चलते हैं अब, इसको यहीं छोड़ देते हैं। चलिए दूसरे तरफ देखते हैं, और वो पूरा पसीना देखे कैसा चेहरा में, लगता है आज फिर से बारिश होगा। और जंगल में सांप ऊप का भी डर रहता है क्योंकि सांप ऊप भी मिलता है, तो देख देख के चलना पड़ता है। और अभी तो पूरा झुंझ हो गया है जंगल, क्योंकि सभी पेड़ पौधा नया पत्ता दे दिए हैं। तो चलिए और ढूंढते हैं अगर मिलेगा तो। तो चलिए दोस्तों, अभी थोड़ा अंदर आ गए हैं, और आज का पसीना बहुत तेज़ है, उतना धूप भी नहीं कर रहा है, लेकिन इतना ज़ोर से भभक रहा है ना, पूरा क्या कहें। तो चलिए, यहाँ हमको और एक मशरूम मिल गया है, एक नहीं दो, एक तो ये छोटा वाला, ये देखिए ये छोटा वाला, और इधर है एक ठो बड़ा वाला, इसको पत्रा बोलते हैं, पत्रा। इसको भी खाते हैं, इसका नाम दूसरा हो गया। तो और देखते हैं
एक ठो वहाँ था लेकिन ख़त्म हो गया है वो। तो चलिए अभी और ढूंढते हैं। खोभा खोजते खोजते हम लोगों को मिल रहा है, और इधर कांदा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन आज कुछ नहीं पकड़ा हूँ ना तो नहीं कोड़ूंगा। फिर एक आध दिन कोड़ने आएंगे, उस समय आप लोग को एक कांदा का ब्लॉक पूरा बनाएंगे, कौन सा कांदा खाने लायक है कौन सा कांदा खाने लायक नहीं है। तो चलिए अभी मच्छर भी चाप रहे हैं, चलिए और नीचे आ गए। और यहाँ देखिए ये मशरूम मिल गया, ये है पत्रा वाला, ये तो टूट गया, ये देखिए लाल लाल और इधर सफ़ेद सफ़ेद। तो ये वाला है पत्रा, इसको भी खाते हैं, ये भी टेस्ट लगता होगा लेकिन मैं नहीं खा के देखा हूँ, एक बार ही, बाकी हमारे दादी लोग खाते हैं। तो ऐसे मशरूम जंगल में बहुत सा मशरूम मिलता है, अनेक अनेक प्रकार का मशरूम। तो चलिए और देखते हैं, नीचे तरफ जाते हैं, इधर थोड़ा गड्ढा है, झेरखा बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ झेरखा है, तो वहीं नीचे चलते हैं, थोड़ा आँख मुँह भी धो लेंगे पानी में। और यहाँ और एक ठो है, ये देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ है, एक ठो दिख रहा है कि नहीं, पत्ता वत्ता छेंक दे रहा है, ये देखिए और एक ठो मिला ये। बहुत अच्छा अच्छा मशरूम मिल रहा है आज, पहले मुंडा फिर क्या बोलते हैं इसका नाम, क्या बोला मैं भूल गया। तो ये देखिए कैसा कैसा मशरूम। तो चलिए अभी और देखते हैं और मिलेगा को मिलेगा कि। चलिए हम लोग नीचे आ गए हैं झरना यानी छोटा वाला नदी में, जब बारिश होता है तो यहाँ से पानी निकलता है, तो ये देखिए इधर जा रहा है पानी, और वो थोड़ा नीचे जाएंगे तो खेत मिलेगा, उधर ही जा रहा है। और अभी हम देखिए पूरा नीचे में है, इधर से आए हैं, इधर ही पूरा पहाड़ जैसा है। और अभी हम चलते हैं, और ये है जंगली आंवला का पेड़, ठीक है। और इधर देखिए कितना बड़ा बड़ा कांदा का पेड़ है, एक आध दिन कोने आएंगे तो इधर ही को आएंगे, ये बहुत ज़्यादा है। और यहाँ एक ठो और मशरूम मिला है, ये दूसरे डिजाइन का, ये देखिए डिजाइन डिजाइन वाला मशरूम मिलता है जंगल में, ये देखिए। गजब का है, तो बहुत सारा मशरूम मिल रहा है, एक से एक। और इधर देखिए पानी कैसा जा रहा है, चलिए अब चलते हैं ऊपर तरफ। इसमें केकड़ा उकड़ा भी मिलता है, और इधर देखिए कि मकड़ा जाला नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये देखिए, इतना बड़ा मकड़ा है, देखिए इधर पूरा रास्ता छेक दिया है।
ये जहरीला होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग का काम हो गया है, एक ठोपा की है और फिर चलेंगे घर। और मशरूम तो ज़्यादा नहीं मिला, एक सब्जी के लायक हो गया, लेकिन अभी कुछ पकड़ा नहीं होना लेजने के लिए, तो अभी नहीं ले जाएंगे, फिर अगले दिन आएंगे तो कुछ लेके आएंगे, थाला वाला या तो साफी में उसी साफी भी लेके आएंगे, गमछा उमछा। यहाँ बहुत ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ भी है देखिए, ये फिर मतलब एक सब्जी से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ नहीं पकड़े हैं तो अभी नहीं ले जाएंगे इसको, तो चलते हैं अभी। और पूरा रंग बिरंग वाला मिल रहा है, तो चलिए अभी थोड़ा काम है, उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तो शाम भी हो रहा है और अभी हम लोग हैं घर में, तो देखिए अभी का मौसम बादल ढलक रहा है, लगता है बारिश होगा। तो चलिए आज का ब्लॉग कहीं तक रखते हैं, और हमारे डूला फैमिली ब्लॉग को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ और जय हिंद।